हेलो दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक कुन्नूर। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स में मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे ऐड करें। गूगल फॉर्म्स को ओपन करने के लिए गूगल सर्च में टाइप करें गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स, हमें कई लिंक दिखाई देंगे। हमें क्लिक करना होगा सबसे पहला वाला लिंक। जैसे हम गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, हमें गूगल फॉर्म्स का होम पेज दिखाई देगा। तब हम क्लिक करेंगे गो टू गूगल फॉर्म्स। यह है होम पेज ऑफ गूगल फॉर्म्स। दोस्तों, गूगल फॉर्म्स में कई तरह की कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि कैटेगरीज में है पर्सनल, वर्क और एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहला वाला जो लिंक है वो है ब्लैंक क्विज। क्विज को क्रिएट करने के लिए क्लिक करें ब्लैंक क्विज और ये ओपन हो गया ब्लैंक क्विज फॉर्म। दोस्तों, गूगल फॉर्म्स में मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड करने के लिए हमें एक ऐड ऑन की जरूरत होती है। वो ऐड ऑन का नाम है हैपीसिया। चलिए हम देखते हैं वो ऐड ऑन को हम गूगल फॉर्म में कैसे ऐड करें। ऐड ऑन को ऐड करने के लिए राइट टॉप कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिया गया है उस पर क्लिक करें और क्लिक करें एडॉन्स और यहां पर सर्च करें हैपीसिया HYPATIA और इस पर क्लिक करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो है इंस्टॉल का। क्लिक करें इंस्टॉल, क्लिक करें कंटिन्यू। हमें यहां पर अकाउंट चूज करना होगा। चूज करें अपना अकाउंट और इसी तरह क्लिक करें अलाउ। दोस्तों, हैपीसिया जो है वो है इंस्टॉल हो गया और क्लिक करें डन। जैसे ही ये इंस्टॉल हो गया, हमें ये जो विंडो है इस पर इसे क्लोज करना होगा। क्लिक करें क्लोज। हैपीसिया को इस्तेमाल करने से पहले हमें पेज को रिफ्रेश करना होगा। क्लिक करें रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अब हम चेक करेंगे हैपीसिया एडॉन्स जो है इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करने के लिए क्लिक करें एडॉन्स और क्लिक करें हैपीसिया। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं हैपीसिया एडॉन जो है गूगल फॉर्म्स पर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले हम क्विज का नाम देंगे मैथ्स क्विज, मैथ्स टेस्ट। कोई डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और यहां पे टाइप करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप करने से पहले उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें और चॉइस सेलेक्ट करें मल्टीपल चॉइस और यहां पर टाइप करें अपना क्वेश्चन, वो है सॉल्व दिस इक्वेशन। दोस्तों, इक्वेशन को ऐड करने के लिए हमें हैपीसिया का इस्तेमाल करना होगा। हैपीसिया को यूज करने के लिए क्लिक करें एडॉन्स और क्लिक करें हैपीसिया। और जैसे हम क्लिक करेंगे हैपीसिया, हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंसर्ट एडिट मैथ, मिनी एडिटर और हेल्प। हमें क्लिक करना होगा इंसर्ट और एडिट मैथ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इंसर्ट और एडिट मैथ, हैपीसिया के विंडो में दिखाई देंगे कई मैथमेटिकल ऑप्शन, जैसे कि x square में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट अवेलेबल है, साइन, कॉस, इंटीग्रेशन, समेशन और पाई या प्रोडक्ट सिंबल भी अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलस और अलजेब्रा के मैथमेटिकल इक्वेशन दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ सिंबल्स जैसे कि इनइक्वालिटीज, बाइनरी रिलेशंस, बाइनरी ऑपरेटर्स दिए गए हैं। पाई के सिंबल में हम देखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा जैसे सिंबल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो में हम राइट एरो, लेफ्ट एरो, रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इसी तरह नंबर सेट, एसेंट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में हम अक्सर देखते हैं हमें कई जगह पर यूनिट को इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, वेट, केजी। इस यूनिट को हम लेंथ, वैल्यू और टाइम के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं और डिटरमिनेंट्स और अरेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए हम एक सैंपल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम यहां पे लिखेंगे कुछ वैल्यू, रूट के अंदर लिखेंगे कुछ वैल्यूज, प्लस कोई इक्वेशन ऐड करेंगे हम, जैसे कि इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 10। यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखेंगे x dx
प्लस इसी तरह हम लॉ को ऐड करेंगे द बेस टू 8, ये हो गया एक इक्वेशन। दोस्तों इस इक्वेशन को गूगल फॉर्म में ऐड करने के लिए क्लिक करना होगा क्रिएट लिंक। जैसे ही हम क्रिएट लिंक क्लिक करेंगे ये लिंक जो है क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। क्लोज करें और सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पे राइट साइड में जो दिया गया है इमेज का सिंबल, इस पर क्लिक करें और क्लिक करें बाय यूआरएल। वो जो लिंक जो कॉपी हुआ है क्लिपबोर्ड में उसको यहाँ पे पेस्ट करें, राइट क्लिक करें और क्लिक करें पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे दोस्तों हम देख सकते हैं वो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लिक करें इंसर्ट इमेज। दोस्तों ये इक्वेशन जो है एक सैंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन की कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह ऑप्शन को ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना होगा इमेज। इससे पहले हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होगी। अगेन कोई नया मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए जाएं एडवांस, क्लिक करें हैपीसिया, क्लिक करें इंसर्ट और इंसर्ट मैथ इक्वेशन। फिर से हम एक यहाँ पे नया इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए मैं अब मैट्रिक्स एंटर करूंगा। मैट्रिक्स एंटर करने के लिए हम कोई भी यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन उसे यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ सबसे पहला वाला ऑप्शन बी मैट्रिक्स। क्लिक करें बी मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स एंटर करना होगा। मैं टाइप करूंगा 2 रोज 2 कॉलम्स। इंसर्ट करें, ठीक है। तो वैल्यूज एंटर करने के लिए जस्ट टाइप करें अपने वैल्यूज 10 और टैब। जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे वो जाएगा नेक्स्ट बटन। देखिए 20 टैब प्रेस करें, 30 टैब प्रेस करें, 500 ये होगी ये जो है मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में हमें इसको डिटरमिनेंट्स में तब्दील करना है या चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है स्वैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे बी मैट्रिक्स में फिर से कन्वर्ट करूंगा। इसी तरह दोस्तों अगर इस मैट्रिक्स में आप एक रो ऐड करना चाहते हैं, इस रो के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वो है मॉडिफाई मैट्रिक्स। क्लिक करें मॉडिफाई और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रो ऐड कर सकते हैं, इसी तरह उसके नीचे भी एक रो ऐड कर सकते हैं, उसके राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में हम कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसी तरह अगर इसे डिलीट करना हो तो जस्ट क्लिक करें और क्लिक करें रिमूव, ये हो गया। एक बार हम इक्वेशन टाइप करेंगे तो क्लिक करें क्रिएट लिंक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्रिएट लिंक ये जो लिंक है ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गई। और इसे क्लोज करें, ऑप्शन 1 में जाएं, इमेज का जो सिंबल है उस पर क्लिक करें ऐड इमेज और यूआरएल पर जाएं। यहां पर जाने के बाद अपना यूआरएल पेस्ट करें, क्लिक करें पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वो इक्वेशन यहां पे दिखाई देगा, क्लिक करें इंसर्ट। दोस्तों ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह हम सेकेंड ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ऐड करने के लिए क्लिक करें ऐड ऑप्शन। यहाँ पे है इमेज सिंबल। इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए अगेन जाएं हैपीसिया। यहाँ पे हम कोई दूसरा इक्वेशन ऐड करेंगे। दूसरा इक्वेशन ऐड करने के लिए चलिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 1 to 2 x या x dx प्लस और कोई इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। एक बार हम जो इक्वेशन ऐड करेंगे क्लिक करें क्रिएट लिंक। जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट लिंक उसका जो लिंक है ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। क्लोज करें और ऑप्शन पर जाएं, क्लिक करें इमेज, क्लिक करें बाय यूआरएल। यहां पे यूआरएल को पेस्ट करें। जैसे ही हम यूआरएल पेस्ट करेंगे उसका लिंक यहां पे दिखाई देगा, क्लिक करें इंसर्ट इमेज। दोस्तों इस तरह हम कोई भी मैथमेटिक इक्वेशन जो है गूगल फॉर्म्स में लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये इक्वेशन को एडिट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को एडिट करने के लिए या कोई और इक्वेशन को एडिट करने के लिए जाएं, क्लिक करें एडऑन्स, क्लिक करें हैपीसिया, क्लिक करें इंसर्ट एडिट मैथ। जैसे ही हम ओपन करेंगे हैपीसिया नीचे हम देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक्शन, कैंसल, क्लियर और क्रिएट लिंक। एक्शन में दिया गया है
एक ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो ऑप्शन, क्रिएट मैथ और एडिट मैथ। ऑलरेडी जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है या टाइप किया है उसको एडिट करने के लिए हमें जाना होगा एडिट मैथ्स में। जैसे कि मैं सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन वाला इक्वेशन है उसे एडिट करना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इसको, इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा एज 100 और इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा एज 3000। चलिए इक्वेशन मैंने मॉडिफाई कर ली। इस इक्वेशन को फिर से इंसर्ट करने के लिए हमें कॉपी करना होगा क्रिएट लिंक या क्लिक करना होगा क्रिएट लिंक। इस इक्वेशन का लिंक जो है ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। इसको क्लोज करें और अगेन हम जाएं इमेज URL, पुराने वाले URL को रिमूव कर दें और नए वाले URL को पेस्ट कर दें। देख सकते हैं हम वैल्यू चेंज हो गई, इक्वेशन भी चेंज हो गया और क्लिक करें इंसर्ट इमेज। दोस्तों इस तरह हम कोई भी डिफिकल्ट इजी इक्वेशन को हम गूगल फॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं। और आंसर की को मेंशन करने के लिए क्लिक करें आंसर की और हम देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है। मान के चलिए अगर इसका आंसर जो है इक्वेशन 2 है तो क्लिक करें ऑप्शन 2 और क्लिक करें डन। ये हो इस तरह हमारा जो मैथमेटिक्स का जो क्विज पेपर है वो रेडी हो गया। चलिए दोस्तों हम देखेंगे अब प्रीव्यू कैसे दिखता है। क्लिक करें प्रीव्यू ऑप्शन। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसे कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का आंसर है 1, 2 या 1। स्टूडेंट को इस इक्वेशन का आंसर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों इस तरह हम गूगल फॉर्म्स में वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।